अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 जो है उसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है, जिसमें हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन और वेव के बारे में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो व्यूअर्स, आपने देखा होगा जो हमने पीछे जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की एग्जांपल पढ़ी हैं, जिसमें हमने मास स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम और पावर बॉल सिस्टम पढ़ा था। तो अगर आपने इनमें से कोई भी एक्सपेरिमेंट खुद करके देखा हो, परफॉर्म किया हो, या तो आपने ये चीज नोट की होगी, तो वो ज्यादा देर तक ये काम नहीं कर सका। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बार बॉल सिस्टम को बाहर छोड़ी थी, तो वो थोड़ी देर ऐसे ऑसिलेट करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाती है। जो आइडियल केस होते हैं उसमें इसी तरह वो आहिस्ता जो हमारे पास है वो रेगुलरली सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन करता रहता है। लेकिन जो हमारे पास रियल में है, उसमें फ्रिक्शन की वजह से वो जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो टाइम गुजरने के साथ साथ कम होती जाती है। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है, यानी हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम the oscillation of a system the oscillation of a system in the presence of some resistive force the oscillation of system in the presence जो डेफिनेशन हमारे पास लगी, द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, यानी जब हम कोई भी बॉडी जो है हमारे पास, कोई भी सिस्टम जो है वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा हो, तो लेकिन जब वो ऑसिलेट कर रहा है तो उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, तो उसकी वजह से वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कम होती जाती है, और वक्त के जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज करता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले फर्ज कर लें कि हमारे पास एक लाइन है, उस पर जो एम्पलीट्यूड था किसी वेव का, वो फर्ज कर लें जैसे स्टार्ट हो रहा है, फिर वक्त के साथ साथ वो ऐसा ऐसा काम हो रहा है, इस तरह वो खत्म हो जाता है। यानी सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा था, जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा है तो वो उसके साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। तो एम्पलीट्यूड के बारे में आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं किए तो सबसे पहले वो जो हमारे पास ये प्ले लिस्ट है 10th चैप्टर की, वो अच्छे से लेक्चर सुन लीजिएगा, जिसकी जो आपको ये लेक्चर समझने में मदद देगा। तो इसी तरह जो हमारे पास डेली लाइफ में हम ऑटोमोबाइल यूज कर रहे हैं, तो शार्क ऑब्जर्वर होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है शार्क ऑब्जर्वर। तो इसमें जो है, ये हमारे पास पिस्टन होता है जिसमें लिक्विड मोस्टली ऑयल यूज करते हैं, तो उसका जो ऊपर एंड है वो कार के फ्रेम या किसी भी जो बॉडी हमारे पास यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज कार कर ले या बाइक कर ले, वो उसके साथ जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उसके साथ अटैच होता है उसके फ्रेम के साथ, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो जो हमारे पास एक्सी है, जो व्हील हम यूज कर रहे हैं उसके साथ, वो एक्सी के साथ अटैच होता है। और इस तरह ये जब कभी किसी जाम से गुजरता है तो उसके बाद क्या होता है, वो उसकी जो वाइब्रेटरी मोशन है, जो उसकी जो जंप था, वो कार को कम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी डैम्प हो जाती है, उसकी जो फोर्स है वो डैम्प हो जाती है, उसकी जो वेव प्रोड्यूस हो रही थी वो उसको हीट में, जो ऑयल की हीट में चेंज कर देते हैं, और हमारा जो गाड़ी है कोई भी, उसको वो जंप वो कम महसूस होता है। इसी तरह ये एक शार्क ऑब्जर्वर जो है वो डैम्प ऑसिलेशन की एक एग्जाम्पल है या एप्लीकेशन है।
गैप एसोसिएशन की डेफिनेशन होगी है, तो उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे वेयर को। ये हमारा जो नेक्स्ट है वो उसमें हम वेयर को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले दो एक्टिविटीज दी हुई है बुक पे, वेव क्या होती है। वेव हमारे पास फॉर एग्जांपल आप एक्टिविटी जो पहले नंबर पे एक्टिविटी है उस बुक पे वो ये है कि आप एक पानी का टब लें, उसमें पानी होगा, हमने एक पेंसिल लेनी है और एक कार। जो कार का वो हमें कुछ फासले पे पेंसिल से रख देना है, जैसा कि आपको ये इमेज स्क्रीन पर शो हो रही है तस्वीर, उसमें आप देख सकते हैं कि वो कार पड़ा हुआ है और ये पेंसिल, वो जो पेंसिल है उसको आपने अप एंड डाउन मूव करना है, ऊपर नीचे पानी में हरकत देनी है उसको, तो जिसकी वजह से वेव प्रोड्यूस होगी और जो कार है उस तक वेव्स पहुंचेंगी और किनारे तक वो वेव्स जो है क्रस्ट और ट्रफ का सिलसिला उधर तक जाएगा। तो आप देखेंगे अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो कार पड़ा हुआ है वो अपनी उस पोजीशन के अनुदन यानी वेव की जो सिमत है उसके अनुदन ऊपर नीचे हरकत करेगा, लेकिन अपनी जगह से यानी जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो रहेगा। तो इस तरह वो जो वेव है वो प्रोड्यूस होगी और एक जगह से दूसरी जगह ये वेव हमारे पास एनर्जी लेके जाने का आएगा। तो उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी नंबर दो है, उसमें आप देखेंगे ये जैसा कि आपको ये इमेज शो हो रही है स्क्रीन पर, तो इसमें एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग आपने जो रस्सी है उसके ऊपर एक पॉइंट पी लगा देना है, जैसे वो इमेज आपको शो हो रही है एक पॉइंट पी है। जब इसको हम रस्सी को ऊपर नीचे हरकत करेंगे, एक साइड जो उसका जो है सिरा वो बंधा हुआ है और दूसरा हमारे हाथ में है, जब हाथ को हम ऊपर नीचे जैसे कि ऊपर नीचे जब हम इस तरह इसको मूव करेंगे तो उसकी वजह से भी वेव्स प्रोड्यूस होगी। तो वो वेव भी आप देखेंगे जो हमारा पॉइंट पी है वो उस जगह पे यानी वो उसके उमदन है, जो वेव की डायरेक्शन है वो उसके वो जिस डायरेक्शन में वेव है उसके परपेंडिकुलर है हमारे जो पॉइंट है, तो वो हमारा पॉइंट पी के ऊपर नीचे यानी वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, तो ये भी एक वेव की किस्म है। ये अब स्टार्ट करते हैं वेव को। तो वेव की डेफिनेशन है इट इज अ डिस्टरबेंस इन द मीडियम व्हिच कॉजेस द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी वेव क्या है, ये खलल है किसी मीडियम में जो उसके पार्टिकल्स को वाइब्रेटरी मोशन करने पर वाइब्रेटरी मोशन करवाता है, उसकी जो मीन पोजीशन है उसकी इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करवाता है और इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि एक खास वक्त के हिसाब से वो उसके मीडियम्स को उस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेटरी मोशन करवाता है। ये वेव है, वेव इट इज अ डिस्टरबेंस इन द मीडियम which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time। तो वेव डिफाइन कर दिया है। वेव के बाद हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वेव की हमारे पास दो टाइप्स हैं। जी स्टूडेंट, अब इसके वेव की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप को वेव की हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहली जो है हमारे पास वो है मैकेनिकल, मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव को डिफाइन किया, उसके बाद हमने दो टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है, मैकेनिकल वेव्स और दूसरी है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करते हैं कि ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स होती है, और जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है वो हमारे पास होगी मैकेनिकल वेव्स। यानी मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें
उनको गुजरने के लिए, इन वेव को गुजरने के लिए किसी मटेरियल का होना लाजमी है। अगर मटेरियल नहीं होगा तो हमारे पास जो मैकेनिकल वेव हैं वो गुजर नहीं सकेगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव हैं जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल मैकेनिकल वेव को आप एग्जांपल एक हमारे पास साउंड वेव होती है, साउंड वेव भी मैकेनिकल वेव होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको रेडियो वेव जो रेडियो वेव है हमारे पास वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। इसी तरह टेलीविजन वेव जो होती है हमारे पास लाइट रोशनी को गुजरने के लिए भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। उसके साथ हीट भी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। हीट को गुजरने के लिए भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। और मैकेनिकल वेव्स में जैसा कि आपने एक्टिविटी नंबर 1 जो देखी थी उसमें आपने वाटर में देखा था, और वाटर भी जो वाटर वेव्स होती है वो भी हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती है। साउंड वेव, वाटर वेव और कुछ किसी भी तरह की जो वेव हमारे पास वेव्स इन स्ट्रिंग, जैसा कि आपने एक्टिविटी नंबर 2 जो थी हमारे पास उसमें आपने स्ट्रिंग की मदद से वेव प्रोड्यूस की थी, और जैसा कि हमने मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा था उसमें से जो स्प्रिंग है वो भी वेव जो उसकी वेव भी है वो भी सिंपल आर्मिक मोशन है स्प्रिंग भी देता हूं। इस तरह सबसे पहले हमने वेव के बारे में जाना कि वेव क्या होती है। वेव इट इज अ डिस्टरबेंस इन द मीडियम व्हिच कॉजेस द पार्टिकल ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो उसके बाद हमने इसकी टाइप्स देखी हैं। पहली टाइप जो हमारे पास है वो मैकेनिकल वेव है, और दूसरी टाइप जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए यानी कि उनके प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, यानी कि उसमें मीडियम का होना जरूरी है, वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं। तो जैसा कि साउंड वेव, वाटर वेव या जो हमारे पास किसी रस्सी या स्प्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और दूसरे नंबर पर जो हमारे पास वेव की दूसरी टाइप है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रेडियो वेव, लाइट, टेलीविजन वेव और हीट जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल्स है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं प्रॉब्लम, तो मैं उनका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।